हेलो आए दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से मेरे न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग हो चुकी है, मॉर्निंग तो पहले हो गई थी, अभी बज रहे हैं 8:30 हो गया है। और यहाँ पर लक्ष्य आज फुल यूनिफॉर्म में रेडी हो गया है। आज लग रहा है लक्ष्य स्कूल जा रहा है करके, नहीं तो ऐसा लगता था एक्स्ट्रा क्लास ट्यूशन जा रहा है। फाइनली इसको यूनिफॉर्म मिल गई है, और यूनिफॉर्म बन के पहन के स्मार्ट बॉय बन के जा रहे हो ना। तो यहाँ पर मैं ला गई हूँ लक्ष्य के लिए दूध। लो फिर दूध पियो, कपड़ों में मत गिराना। हम आज अच्छा लग रहा है कि हाँ स्कूल जा रहा है। तो अभी इसकी थोड़ी देर में वैन भी आने वाली होगी, तो इसका दूध ये जब जाएगा, अभी मैंने चाय वाय कुछ नहीं बनाई है, जब ये जाएगा फिर बनाती हूँ चाय। तो यहाँ पर लक्ष्य की वैन भी आ गई थी, आज थोड़ा जल्दी आ गई थी वैन, वैसे 9:45 के बाद ही आती है, लेकिन आज 8:30 ही आ गई थी। और 9 बजे का स्कूल है लक्ष्य का। लक्ष्य के स्कूल जाने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अपने लिए चाय बना ली है। आपको पता ही है मेरे अलावा घर में और कोई चाय पीता नहीं है, तो 2 घूंट से जितना सिर्फ मैंने अपने लिए बनाया है। और आज लक्ष्य की वैन जल्दी आ गई, कभी लेट आती है, कभी 9 बजे तक भी आती है, और आज 8:30 ही आ गई। मैं बहुत कम होता है जिस दिन 8:30 आती है, नहीं तो 9:45 ऐसे ही आती है, और जबकि 9 बजे का स्कूल है लेट ही आती है, लेकिन आज जल्दी आ गई। चलो तो मैं चाय पी रही थी, और यहाँ पर पानी वाले भी आ गए हैं। हम मतलब ये फ़िल्टर किया हुआ पानी लेते हैं, जा लेते हैं 20 लीटर का, तो इससे मैं धो लेती हूँ फिर पानी लेते हैं, ठीक है। तो मैंने जार धो दिया है, और अब इसमें वो पानी डाल के जाएंगे। तो जार मैंने गेट के बाहर रख दिया था, और ये यहाँ पर पानी डालने आए थे भैया जार में, और ये आज नए भैया आए थे, इससे पहले कोई और ही आता था, तो ये इनको पता नहीं था, तो ये जार यहीं गेट पे ही छोड़ के जा रहे थे। तो फिर जो पहले जो हमेशा आते हैं वो भैया तो अंदर रख के जाते हैं, तो ये यहीं पे छोड़ के जा रहे थे, तो मैंने इनको बोला कि भैया जार अंदर रख दो, तो फिर इन्होंने जार अंदर रखा। अभी शाम के बज रहे हैं 4, मॉर्निंग से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है, अभी शाम को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ व्लॉग, क्योंकि कुछ था ही नहीं दिन में दिखाने के लिए, तो इसी वजह से नहीं बनाया। और अभी बज रहा है 4, तो मैं जा रही हूँ लक्ष्य को ट्यूशन छोड़ने। उससे पहले लक्ष्य को लग रही थी भूख, तो उसके लिए मैंने एक पराठा बना के उसको दे दिया है। तो लक्ष्य को ट्यूशन छोड़ के आ गई थी, उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही थी अपने लिए थोड़ी सी चाय। तो चाय वाय मैंने पी ली थी, और हाथ मुंह धो के अभी थोड़ा फ्रेश हो के और रेडी हो के, रेडी तो क्या हुई हूँ, बालों में कंघी करी है, 2 दिन से कंघी नहीं करी थी बालों में, तो खूब सारा तेल डाल के और अभी कंघी करी है। और मैं अभी जा रही हूँ बगल में थ्रेडिंग करवाने, क्योंकि मेरी अगर पूरी फुल ग्रोथ आ जाती है ना तो बहुत दर्द होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे बहुत हार्ड बाल हैं, बहुत दर्द देते हैं सच में। तो मैं जाने लग गई थी, और बगल में ही आपको पता ही है जिनके यहाँ मैं थेपले बनाने गई थी, तो एक वॉल की दूरी है बस। और यहाँ पर देखिए इन्होंने 2 बोर्ड भी लगाए हैं, एक पार्लर के लिए है और एक अगरबत्ती का बिजनेस करते हैं ये। और यहाँ पर कितना बड़ा मंकी बैठा है मेरी बाउंड्री पे घर की, और इनका बेटा जस्ट सो के उठा था। यहाँ पर आई हूँ मैं आईब्रो बनाने, तो आईब्रो बना लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो मैं आईब्रोज करा के आ गई थी, उसके बाद मैं लक्ष्य को ट्यूशन से लेके आई, और अब काटने लग रही हूँ यहाँ पर सब्जी, शाम के खाने की तैयारी होने लग गई है। और मैं आज बना रही हूँ शिमला आलू और टमाटर, प्याज अभी हम खा नहीं रहे क्योंकि सावन चल रहे हैं। तो सब्जी काटने के बाद मैं थोड़ी देर छत पे आई थी, लक्ष्य परेशान कर रहा था कि इसको कार चलानी है छत पे, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर इसको कार चलाने देते हैं, फिर जाते हैं नीचे, फिर चढ़ाती हूँ मैं सब्जी। शाम का टाइम था और मौसम बहुत सुंदर हुआ था, सूर्य भगवान डूबने ही वाले थे। तो मैं छत से आने के बाद मैंने यहाँ सब्जी बना दी थी,
और यहाँ पर आटा भी गूंथ के रख दिया था। आटा मैंने कम ही गूंथा था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो भूख भी नहीं लग रही है मुझे, तो देवरी के हिसाब से ही बनाया था मैंने। सब्जी बन गई है और आटा गूंथ के रख दिया है, तो अभी थोड़ी देर में रोटी बनाऊंगी। उससे पहले मैं कर लेती हूँ कपड़े फोल्ड, इतने सारे कपड़े फोल्ड करने हैं मुझे क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी मेरी बीच में, इस वजह से कपड़े इकट्ठे होते गए होते गए। तो देखो दोस्तों मुझे इतने सारे कपड़े फोल्ड करने हैं, तो जल्दी जल्दी मैं इन कपड़ों को फोल्ड कर देती हूँ। सारे कपड़े फोल्ड कर दिए और मैं यहाँ पर पीने लग रही हूँ लस्सी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा मन हो रहा था पीने का। और क्या कहते हैं, ये मेरे देवघर से मंगाई थी मैंने, वो उनकी डे शिफ्ट चल रही है तो वो 7 बजे शाम को वापस आ जाते हैं। तो अभी दोस्तों रात के 9 बज रहे हैं, 9:15 के आसपास हो रहा है और मैंने खाना खा दिया, बाकी मेरे देवर खाना खा रहे हैं। और मुझे आटा दोबारा गूंदना पड़ा क्योंकि एक जो देवर मैंने बोला था पिथौरागढ़ से आए हैं, वो भी मेरे हस्बैंड लोगों की कंपनी में ही जॉब करते हैं लेकिन हमारे साथ नहीं रहते हैं, वो किसी दूसरे रूम में अपने रूम पार्टनर लोगों के साथ रहते हैं, तो कभी कभार यहाँ भी आते रहते हैं। तो आज बिन बताए आए, मुझे पता नहीं था कि वो आ रहे हैं इसलिए मैंने कम आटा गूंदा था। तो फिर जब आए हो उसके बाद फिर मैंने दोबारा आटा गूंद के फिर रोटी बनाई। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग की एंडिंग भी करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।